बारूक क्या चीज होती है? अच्छा एक बार आप जरा कंफर्म कराना, आप अच्छे से सुन पा रहे हैं आपको ठीक ठाक? सुनाई तो सब दे रहा लेकिन सुनाई दे रहा एकदम। स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है आपको? क्लियर नहीं है सर, उतनी क्लियर नहीं है स्क्रीन, लेकिन सुनाई एकदम क्लियर दे रहा है। स्क्रीन सबको नहीं क्लियर, एक बार सारे लोग माइक जो बता दीजिए। क्लियर है, क्लियर है, चल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सर, आप क्लियर है तो चलो ठीक है। अब देखो एक बार आप माइक लो, आप लोग कर लीजिए। अब इसमें आप देखना बारूक क्या चीज है। बारूक एक्चुअली क्या है कि जो हिस्टोरियन थे इन्होंने इसको अप्लाइड किया था, तो शुरुआत में इनका जो सेंस इसको यूज करने का था डेरोगेटरी था, कहने का मतलब बहुत पॉजिटिव वे में इसका यूज नहीं करते थे। कहने ये जो है इसका ये यूज निगेटिव सेंस में करते थे, जैसे किसी का मजाक उड़ाना हो तो उसके लिए ये टर्म यूज होता था, किसी जो है किसी का। तो ये टर्म आपका देखिए एट फर्स्ट ये माइक बना दो एक बार आप, स्टार्टिंग में ये टर्म आपका डेरोगेटरी, बाद में इसको जो है आर्किटेक्चर में या जो है इन सब चीजों में पेंटिंग में इनमें जो है मतलब लगाया गया। तो अब जब ये आर्ट आया तो आर्ट कला में आप कौन सी ऐसी चीज देखोगे कि वो आपको लगेगा ये बारूक है? जैसे लैंग्वेज में है तो लैंग्वेज में है तो आप बारूक समझ गए। कलाकारी में जैसे क्या है बारूक उसको बोलते हैं, जैसे उसमें आर्क बने हुए, और उसमें आप देखेंगे कि जो है जो कहने मतलब ज्यादातर इटालियन जो कलाकारी होती थी। एक बार माइक आप लोग बंद कर लेते तो ठीक रहता, अब यहां से दोबारा आके माइक बंद पड़ता है तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है। चलो ठीक है, तो इसमें अब आपको नोट क्या करना है, नोट ये करना है कि अब आप लिटरेचर पढ़ रहे हो तो इसको लिटरेरी टर्म जो है लिटरेचर के एंगल से देखेंगे। अब देखिए आपकी असल जो है यहां से शुरू होती है, एक मिनट जरा रुकना। इसमें जितने अच्छे वाले महानुभाव हैं एक चीज जरूर ध्यान दे, बीच में डिस्टर्बेंस आता है तो आदमी बैक जाके उसको बंद करना पड़ता है, तो वो सिचुएशन आप क्रिएट ना करो कि हमको क्लास जो है बंद करूं फिर जाके आपको म्यूट करूं। ये जो आपका जो टर्म था लिटरेचर में इसको अप्लाई किया गया था, तो आप इसको लिटरेचर में पहचानोगे। जैसे पेंटिंग में था तो वो कहने का मतलब पेंटिंग में आप उसको रोमन वाली स्टाइल में जो चीज बनी होती थी, रोमन स्टाइल क्या चीज होता है, जैसे रोम की बिल्डिंगें आपने देखा है उनका घर भी बनता है तो उसमें जो है आयत पे या जो है चौकों पे जो है ज्यादा फोकस दिया जाता है। उनके अगर जो वो भी बनेंगे आर्क बनेंगे तो वो दूसरी स्टाइल के बनते थे, समझ रहे हैं? आर्क उनके बनेंगे तो आर्क में राउंड देने के बजाय नुकीलापन उसमें ज्यादा लगाया जाता था। और जो वो कहते हैं कि जैसे मोटी दीवार होती है गांव-वांव में दिया हुआ रखने के लिए, गौखा आप काटते हो, गौखा का मतलब जो है खाना समझ सकते हो, तो उसमें क्या होता है खानों पे डिजाइन बनती थी। मोटी दीवाल में आप जहां जैसे पुराने जमाने में दीवाल जगह दीपक रखने के लिए दीवाल में स्पेस बनाया जाता था, दीवाल के अंदर ही वो सिचुएशन आप ना समझ पा रहे हो, तो उसमें भी नक्काशी की जाती थी आधार पे, तो वो चीज जो है बारूक के अंतर्गत मानी जाती है। अब आ जाओ लिटरेचर पे की डेरोगेटरी सेंस में जो है यूज किया जा रहा है तो अपमान मतलब करने के लिए, तो सेम वही चीज लिटरेचर पे भी एक अप्लाई होती है। जैसे आप किसी का मजाक उड़ाना हो और आपको जो है भोड़े शब्द नहीं यूज करने हैं तो आप क्या करेंगे, अरे इतने प्रचंड विद्वान है जिसका कुछ हिसाब किताब नहीं, मतलब अब ये जो तुमने प्रचंड शब्द यूज किया, या कुछ ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं जो सिर्फ धर्म मतलब वो कहने का मतलब प्रीस्ट लोग ही या इनको जो धर्म गुरु लोग ही यूज करते हैं, सेम उसी टाइप के शब्द जो है इंग्लिश लिटरेचर में भी होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं एलाबोरेटेड, वो आपके फॉर्मल स्टाइल वाले होंगे, फॉर्मल स्टाइल के वर्ड होंगे। दूसरी चीज मैग्निलोक्वेंट, ये आडंबरपूर्ण शब्द होते हैं, समझ रहे हैं? जैसे प्रचंड क्रोध तो हम कहेंगे बहुत क्रोध, तो बहुत ज्यादा क्रोध कहने के बजाय हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, प्रचंड क्रोध।
समझ रहे हैं? या कोई डिस्क्रिप्शन, अगर जो हमको किसी के रथ का भी डिस्क्रिप्शन करना होगा तो हम उसके बताएंगे उसके घोड़े इतने इतने बड़े बड़े थे, मतलब उसका भी घोड़े का भी डिस्क्रिप्शन अगर जो हमको करना होगा तो मैं उसको जो है अच्छा खासा बढ़ा चढ़ा के, या जो धार्मिक भाषा होती है जो धर्म उपदेशों में लोग यूज करते हैं उसकी शैली को आप यूज करेंगे। लेकिन आप धर्म देने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल चीजों के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी लैंग्वेज अगर जो आप नॉर्मल लिटरेचर में यूज करते हैं तो वो इनसे रिलेटेड आपका जो है ये एक होती है, तो ये वो चीज बारूक आपकी मानी जाएगी। आप बात समझ रहे हैं? अब ये चीज तुमको मिलेगी कहाँ? तो धार्मिक जो है, धार्मिक टाइप का लिटरेचर किसने लिखा है, जैसे मिल्टन ने लिखा है, ठीक, पैराडाइज लास्ट, वहां तुमको मिल सकती है। और बताओ धार्मिक लिटरेचर किसने लिखा है? तो जो जो धार्मिक टाइप के जो है राइटर थे, अगर जो उन्होंने नॉर्मल लिटरेचर भी लिखे हैं कुछ रिलीजन से संबंधित, तो वहां ये जाएगी, वहां की स्टाइल बारूक होगी। क्योंकि आप नॉर्मली ये बताओ, जैसे कोई भी रिलीजन हो तो कोई भी रिलीजन का व्यक्ति अपने रिलीजन को हल्का नहीं बताता है, तो रिलीजन को आप अपने फोकस वाला बताने के लिए, सुपर बताने के लिए आप कौन से शब्द यूज करेंगे? तो जाहिर सी बात है जन सामान्य में जो शब्द यूज होते हैं आप वो शब्द यूज नहीं करोगे। आप उनसे जो ऊपर क्लिष्ट टाइप के जो शब्द होते हैं या जिनका सिर्फ जो है प्रवचनों में यूज होता है, आप उस टाइप के शब्द यूज करेंगे। बात समझ रहे हैं मैं जो बताना चाह रहा हूं? तो इंग्लिश में इस टाइप से आपको कहाँ मिलेगा? देखो मिल्टन की पैराडाइज लास्ट में आपको मिल रहा है, समझ रहे हैं? और इसका जो है कुछ हद तक आगे और कुछ चीजों में जो है इनका मिल रहा है, जहां तक ये सब सारी चीजें होती हैं ये होता है। अच्छा दूसरी चीज, इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे भी यहां से भी बन सकते हैं। अब जैसे क्या है, ये लाइन आपकी लास्ट वाली बड़ी महत्वपूर्ण है, ये जो टर्म बारूक है ड्राइव्ड फ्रॉम स्पेनिश एंड पुर्तगीज। देखो दो पे ध्यान देना, सिर्फ तुम जोर देते हो आगे भूल जाते हो, बात समझ रहे हैं? इसका शब्द है और नेम्ड अ पर्ल, ये क्या चीज होता है बारूक, वहां एक पर्ल होता है, समझ रहे हैं? स्पेनिश पुर्तगीज लैंग्वेज में बारूक वहां एक जो है आपका पर्ल होता है, और उसकी शेप कैसी होती है, रफ एंड इरेगुलर शेप, भद्दा सा होता है, और इरेगुलर शेप कहने का मतलब कोई रेगुलर शेप उसकी नहीं होती है। जैसे हम आपको बोले कि बुक की शेप कैसी होती है तो तुम बोलोगे आयताकार, हमने पूछा कि एप्पल की शेप कैसी होती है तो आप बोलोगे राउंड होता है। अब इरेगुलर क्या चीज होती है, इरेगुलर वो चीज होती है कि उसका तुम शेप फिक्स ना बता पाओ। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये जो वो धान वान के खेत में पुआल यूज होता है तो पुआल की शेप कैसी होती है, या कुछ ऐसी आप आटा गूंथने के बाद उसकी शेप कैसी हो सकती है, आप बताओ। तो जिसका शेप तुम क्लियर समझ ही ना पाओ, उसके कुछ उदाहरण तुमको पता चला जो है लंबे वाले मिल जाए, उसी के कुछ उदाहरण आपको जो है पता चला एकदम राउंड वाले मिल जाए, जैसे कुछ आलू एकदम गोल होते हैं कुछ आलू आपके लंबे हो जाते हैं, तो आलू की शेप भी इरेगुलर बोली जाएगी। तो सेम उसी वेराइटी की चीज, कोई लंबी निकल रही है कोई गोल निकल आयताकार निकल रही, कहने का मतलब वो उसका शेप फिक्स ना हो। जैसे बिस्किट, तो बिस्किट में या तो राउंड वाला आता है या तो चौकोर वाला आता है, हालांकि ये मैं मतलब एग्जैक्ट उदाहरण नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि रेगुलर शेप क्या है, इरेगुलर शेप क्या है। रेगुलर शेप वो शेप होती है कि जिसमें आपके कंसेप्ट पहले से क्लियर है, जैसे मैं किसी चीज का नाम लू जैसे एप्पल, तो आपके दिमाग में गोल ही आएगा चौकोर नहीं आएगा। अब जैसे मैं बोलूं बिस्किट, तो बिस्किट कुछ बिस्किट या तो गोल होंगे या तो आपके चौकोर होंगे, अगर जो कुछ गोल हो रहे हैं कुछ चौकोर हो रहे हैं तो आप इसको इरेगुलर की श्रेणी में डाल सकते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन अगर जो सिर्फ गोल और सिर्फ चौकोर दो ही टाइप के मिल रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं मिल रहा है, या तो चार चार उसमें जो है वो एंगल होंगे या तो आपके जो है पूरा एकदम सर्किल होगा, तो इस सिचुएशन को भी आप इरेगुलर नहीं बोल पाएंगे। इरेगुलर क्या होता है, चार होगा, पता चला चार एंगल के बजाय उसमें पांच एंगल निकल गए, छह किसी में छह एंगल निकल रहे हैं, तो जब चीजें फिक्स नहीं है तो वही इरेगुलर है। ये चाहे तुम ओट में अप्लाई करा लो, चाहे आप शेप में अप्लाई करा लो, जहां भी तुम इरेगुलर देखोगे वहां आपको ये चीज जरूर मिलेगी कि उन्होंने कोई सेट पैटर्न फॉलो नहीं किया। आप जैसे काउले, इनको इनके ओड को इरेगुलर ओड बोला गया, तो बताओ इन्होंने क्या एकदम सेट स्ट्रक्चर फॉलो किया, जो इसके पहले पिंडार यूज करता था, किसी को पता चला स्टाफ हैंड टू स्टाफ को इन्होंने एक में कर दिया, किसी में पता चला एक में इन्होंने नहीं किया, कहने का मतलब स्ट्रिक्टली वो चीज अगर जो आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, कोई एक रेगुलर शेप आप नहीं बना पा रहे हैं, आकार नहीं बना पा रहे हैं,
तो वही होता है इरेगुलर। ये चीज आपको समझ में आ गई? चलो समझ में आ गई होगी। तो नोट करने वाली चीज क्या थी, बारूक आपका टर्म है, ये स्पेनिश पुर्तगीज लैंग्वेज से आया है, और ये जो एक होता था पर्ल होता था, तो ये पर्ल किस टाइप का होता था, रफ होता था, देखने में भद्दा लगता था, और इसकी शेप जो है इरेगुलर होती थी, कोई फिक्स शेप नहीं होती थी कि गोल है कि गोल ही मिलेगा, लंबा तो लंबी लंबा ही मिलेगा, चौकोर तो चौकोर, ऐसा कोई जरूरी नहीं। चलो अब आ जाओ, बाथोस एंटी क्लाइमेक्स। देखो बाथोस एंटी क्लाइमेक्स नॉर्मली एक ही चीज जैसे आपको दिखती है। बाथोस क्या होता है, जैसे पहले आप इसको शेप से समझो, एक मैंने बहुत बड़ा रखा, फिर उसके बाद इससे छोटा रखा, फिर इससे छोटा रखा, फिर इससे छोटा रखा, ये सिचुएशन अगर जो आप वर्ड के माध्यम से सेट करते हैं, बहुत बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, तो इसी को आप बाथोस बोलते हो। उल्टा कर दो, यही बाथोस हो जाएगा, बड़ा आलू, उससे छोटा आलू, उससे छोटा आलू, उससे छोटा आलू, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जैसे मैं बताऊं कि वो आदमी खड़ा था, वो आदमी बैठ गया, बैठा मतलब ये ऐसे हाफ हो गया, मतलब ये खड़े पे इसकी लंबाई इतनी, बैठा मतलब हाफ, लेट गया और लेटने के बाद मर गया। ये चीज अगर जो ये चीज मैं सेंटेंस में ऐसे सेट करते चला जाऊं, स्टैंड सिट लाई डेथ, मीन निकालो, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, लास्ट में खत्म, इसी सिचुएशन को आप बाथोस बोलते हैं, इसी सिचुएशन को आप एंटी क्लाइमेक्स बोलते हो। बाथोस और एंटी क्लाइमेक्स में थोड़ा सा का अंतर होता है, बात समझ रहे, थोड़े सा का क्या अंतर होता है ये आपको यहां मिल जाएगा। देखो आपका एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, एंटी क्लाइमेक्स आपका नॉन डेरोगेटरी होता है, समझो। दूसरी चीज क्या, डिनोट्स ए राइटर्स डेलिबरेट ड्रॉप, ये चीज ध्यान देना। पहली चीज तो ये जिसके लिए यूज किया जाएगा उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे सिचुएशन हो, वो उस पर मौकरी नहीं जाएगी। दूसरी चीज क्या होती है, इसको राइटर टेंशन बना के करता है। जैसे मैं एक पोएम क्रिएट कर रहा हूं, मैं पोएम को हैंडल नहीं कर पाया, हैंडल नहीं कर पाया, फिर उसके बाद हमने बड़े छोटे वाले, हमारा मतलब मन में जो है विचार नहीं था, मैं हैंडल नहीं कर पाया, हैंडल न करने के कारण ये सिचुएशन बन गई, विलिंगली नहीं अनविलिंगली ये सिचुएशन बन गई, तो ये सिचुएशन बन गई, मैं इसको हैंडल नहीं कर पाया इस कारण बन गई, तो जाहिर सी बात है जब ये बनी तो किसी न किसी की ऐसी की तैसी कर देगी, तो उसी लिए बाथोस डिरोगेटरी होता है और एंटी क्लाइमेक्स आपका नॉन डिरोगेटरी होता है, ये राइटर इंटेंशन बना के करता है, और बाथोस जो है राइटर जो है इंटेंशन बना के नहीं करता है, वो राइटर की कमी मानी जाती है। अगर जो आप मैटर को अच्छे से डील नहीं कर पा रहे हो, आप में जो है आप रिम राइम या उसमें जो भी आपको कंटेंट के बारे में या कंटेंट की सेटिंग के बारे में आपको अच्छे से जानकारी नहीं है, वो चीज आप अपनी मतलब टैलेंट की कमी के कारण अगर जो आप गलती कर बैठो, गलती के कारण वो बाथोज वहां पे, वो कहने का मतलब ये वाली सिचुएशन बन जाए, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे सबसे छोटा, लेकिन ये हास्यास्पद ज्यादा होगा, जिसके लिए यूज किया जाएगा उसके लिए पीड़ा ज्यादा देगा, बात समझ रहे हैं। तो अगर जो ये सिचुएशन आप इंटेंशन बना के कर रहे हैं, तब तो ये हो जाएगा एंटी क्लाइमेक्स, और इंटेंशन आप नहीं बना के कर रहे हो तो ये हो जाएगा जो है आपका बाथोज, इंटेंशन एंटी क्लाइमेक्स, और अगर जो आप इंटेंशन नहीं बनाते हैं तो बाथोज। अब अगर जो इंटेंशन बना के किसी चीज को तुम पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, तब तो देखने में वो चीज अच्छी लगेगी, और बिना इंटेंशन बनाए तुम्हारी किसी गलती के कारण, जैसे तुम ईंटे चट्टे चढ़ गए और वो भर 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 गिरना शुरू कर दिया, तो सबसे बड़ा फिर उसके बाद छोटा, फिर पता चला जो है एक ईंटा आके लास्ट में रुका, तो वो शेप देखने में अच्छी नहीं लगेगी। और तुमने क्या किया कि ईंटे का चट्टा बड़ा, फिर उससे बाद छोटा चट्टा, फिर और छोटा चट्टा, फिर और छोटा चट्टा, और लास्ट में जमीन के बराबर आप उसको ले आए, तो देखने में कोई भी देखेगा कहेगा हाँ यार बढ़िया, मतलब किसी ने अच्छा वर्क किया है, बात समझ रहे हैं। तो दोनों बड़े से छोटे की ओर जाती हैं, लेकिन जो बाथोज आपका होता है वो राइटर की कमी के कारण होता है, वो राइटर हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए वो भरभरा के ईंटा गिरने वाली सिचुएशन बन जाती है, और वो भरभरा के जब ईंटा गिरता है तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, वो आप ऐसे अगर जो शब्दों का यूज करेंगे हो सकता है किसी का अपमान वो कर जाए, लेकिन जो आप इंटेंशन बना के किसी चीज को गिराते हो
तो वो ज्यादा देखने में भद्दा नहीं लगता है, बुरा नहीं लगता है, किसी की आत्मा को पीड़ित नहीं करता है। ये चीज सबको समझ में आ गई? अब देखो बीट राइटर्स, बीट राइटर से क्या है, पहले बीट का मतलब समझो। बीट का मतलब क्या होता है? पीटना। अब ये लोग क्या पीटते थे? तो चला जैसे तुमने कोई मूवी वूवी देखी होगी, मूवी देखा होगा, बीच के किनारे का सीन है, पूरी शरीर एकदम उनकी खाली है और एकदम पूरा ब्लैक, हप्सी, हप्सी का मतलब जैसे निग्रो, और उसके बाद अच्छी खासी उनकी फिजिक बनी है, बॉडी बनाए है, नीचे खाली एक तौलिया लपेटे हैं, हाथ में दो डंडा लिए हैं और बड़ी वाली ढोल रखा है, ढम 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 पीट रहा है। कुछ मूवी में हमने देखा है, अगर जो आप दिमाग दौड़ाओगे आपके सामने भी वो सिचुएशन पहुंच जाएगी। बीट राइटर्स इसी इसी टाइप के थे। अब नॉर्मली आप दिमाग लगाओ, अर्धनग्न अवस्था में कौन हो सकता है? सामान्य आदमी हो सकता है कि असामान्य आदमी हो सकता है? तो असामान्य आदमी होता है। आप बजा भी रहे हो तो बजाने के लिए क्या है कि पागल तो हो नहीं कि तू भट 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 पीटे जा रहे हो, आप उसमें कुछ जो है सुर भी निकाल रहे हो, कुछ ताल भी निकाल रहे हो। और अर्धनग्न क्यों हो गए? अर्धनग्न जो है कोई प्रतिष्ठित आदमी, सभ्य आदमी अर्धनग्न तो होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है, या तो अपने जो है कोई ना कोई ड्रग्स लिया है, कोई ना कोई आपने नशा किया है। अब जैसे जिसको नाचने वाचने का ना पता हो, तो शादी में लोग नाचते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं भैया बिना पिए तो मैं नाच ही नहीं सकता हूं। तो पीते क्यों है? पीते इसलिए है कि अब वो नाचने में उनकी शर्म खत्म हो जाती है, तो जब शर्म खत्म हो गई तब वो डांस करना शुरू कर दिए, नाचने लगे। कुछ लोगों को हो सकता है डांसिंग में उनको शर्म आती है, मैं उनकी सिचुएशन बता रहा हूँ। तो अर्धनग्न अवस्था में अगर जो आप ढोल पीट रहे हैं, तो उसके लिए क्या कि आप पता चला कि या तो चिलम मारे होगे, या तो गांजा मारे होगे, या तो आप कुछ ना कुछ जो है ड्रिंक उड़िंग किए होंगे या ड्रग्स लिए होंगे। ये बीट राइटर्स टोटल वही है, ये एक नंबर के नशेड़ी हैं, एक नंबर के भंगेड़ी हैं, एक नंबर के गजेड़ी हैं और एक नंबर के समझ लो लंपट हैं। कि ड्रग्स ले लिए, अब उसकी जो ड्रग्स लेने के बाद इनके मन में जो फीलिंग है, उस फीलिंग को ये लिटरेचर में व्यक्त कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ड्रग्स लेने के बाद किसी के साथ इन्होंने जो है फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, उसकी इन्होंने मतलब उसमें रचना कर दी, समझ रहे हैं? तो लिटरेचर बताओ कैसा बनेगा? लिटरेचर बनेगा इनका कूड़ा कबाड़ा वाला, और लिटरेचर ये ज्यादा दिन चल भी नहीं पाया, ये चीज आप समझ गए? तो इनका लिटरेचर कैसा होगा? एंटी सोशल होगा, एंटी मार लिया होगा। तो जितनी अच्छी वाली चीज है सबके साथ एंटी लगा दो, वही ये बन के तैयार बेटा हो गए। अब इनको देख लेना, वही सब सारी चीज तुमको मिलेगी। और 1950 दशक से 1960 दशक तक ये लोग चले थे। देखो एंटी स्टेब्लिशमेंट, एंटी पॉलिटिकल, एंटी इंटेलेक्चुअल। भाई गांजा भांग पी के जब तुम कोई लिटरेचर लिखोगे तो क्या उसमें तुमको इंटेलेक्चुअलिटी जो है नजर आएगी? देखो ये अब कल्चर की इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी, समझ रहे हो? मॉरल वैल्यूज की इन्होंने बिल्कुल मारा, ऐसी की तैसी कर दी, समझ रहे हैं? सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन के नाम पे चला कि अपनी पत्नी वाली जो पत्नी की फीलिंग होती है वो पूरा पता चला बाजार में उसको बताने। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब दारू पी लो के बाद तुम बताओ कि मुझे कैसा रियलाइज हो रहा है, मैं उड़ रहा हूँ कि गिर रहा हूँ कि धंस रहा हूँ, समझ रहे हैं? ये सब लिटरेचर बस इसी टाइप का था। और चले कहाँ? परीक्षा में आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। कब तक चला है? 1950 से 60 दशक तक ये गया। इसका मतलब ये होता है डिकेड, लास्ट में लगा देते हैं तो इसका मतलब डिकेड हो जाता है। ये चीज सबको समझ में आई? अब आ जाओ बायोग्राफी पे। बायोग्राफी चीज होती है, बायोग्राफी वो चीज होती है जैसे एक मैं हूं, ये समझ, मैं हूं और एक है मेरा दोस्त। अब इसका जीवन परिचय मतलब इसने जीवन में क्या किया, कब इसकी शादी हुई, कब बच्चे हुए, तो ये अगर जो खुद अगर जो अपने बारे में लिख देगा तो ये हो जाएगा आटो। आटो का मतलब होता है सेल्फ। ग्राफी का मतलब वो ग्राफ से संबंधित हो जाएगा, लिखा पढ़ी से। तो जब आप अपने बारे में आप खुद अपनी चीज व्यक्त कर रहे हो तो हो जाएगा ऑटोग्राफी। बायो तो बायोग्राफी कहने का मतलब दूसरा, बिलिंगुअल बी आपने उसमें कुछ इस टाइप का देखा, तो ये दूसरे के द्वारा जब किसी का जीवन लिखा जाता है तो वही चीज होती है बायोग्राफी, समझ रहे हैं? होता जीवन परिचय ये भी है, लेकिन ये दूसरे के द्वारा लिखा जाएगा तो ये हो जाएगी आपकी बायोग्राफी। दूसरी चीज, अब इसी बायोग्राफी में देखा देखना आपको कुछ चीजें तुमको जो है मिलेंगी जिनको ध्यान देने की जरूरत है। देखो एक टर्म आए हेजियोग्राफी। हेजियोग्राफीज क्या चीज होती है? ये भी बायोग्राफी होती है, लेकिन किसकी होती है? क्रिश्चियन सेंट्स की। कैसी? स्टाइलाइज्ड लाइफ। तो बसंत की जो लाइफ होती है,
कि सुबह उठना है, सुबह उठने के बाद जब तुमको ठंडी लग रही है तो, लेकिन वो धर्म के प्रति कटबद्ध हैं, सुबह 4 बजे जो है उनको गुरु जी को स्नान कर लेना है, गुरु जी स्नान कर लेंगे उसके बाद 1 घंटे भगवान का पूजा करेंगे, पूजा करने में तुमको बताओ मेहनत लग रही है कि नहीं लग रही, लग रही है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद धर्म के और कोई काम होते हैं, जैसे पुस्तकें, पूजा करने के बाद भगवान का फिर अध्ययन पे बैठ गए, फिर उसके बाद अब उनका जो नाश्ता पानी का, जो भी, कहने का मतलब धार्मिक दिनचर्या का वर्णन किसी संत महापुरुष की जब आप करते हैं तो उसी को बोला जाता है हेजियोग्राफीज, और स्पेशली कौन से, क्रिश्चियन सेंट्स। भाई इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर टोटल ब्रिटेन से संबंधित है, वहां का, वहां की जो मेन रिलीजन क्या है, जो है क्रिश्चियनिटी ही तो है, तो इसीलिए यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का जो है जिक्र किया गया है। और स्टाइलाइज कैसे हो जाएगा भाई, अगर जो किसी आप धार्मिक पुरुष की उसकी जो है दिनचर्या लिखेंगे तो उसकी गड़बड़ चीज तो आप लिखोगे नहीं, उस उनकी जो, कहने का मतलब समाज के सामने प्रस्तुत करना है अच्छी चीजें, उन्हीं चीजों का आप वर्णन करेंगे, बात समझ रहे हैं। तो हेजियोग्राफीज का मतलब अगर जो समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आ गया हो तो बस इतना याद रखना, हेजियोग्राफीज बराबर स्टाइलाइज लाइफ ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स, बस। चलो नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ क्या है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जानते हैं मतलब बायोग्राफी रहेगी लेकिन ऑटो रहेगी, मतलब जीवन परिचय रहेगा लेकिन खुद के द्वारा लिखा गया, जैसे मैं अपना जीवन परिचय लिख रहा हूँ खुद का, तो वो ऑटोबायोग्राफी हो रही है, आप अपना जीवन परिचय लिख दें वो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी, लेकिन मैं आपका जीवन परिचय लिखूं तो ये बायोग्राफी हो जाएगी, उसमें से ऑटो खत्म कर देना, ऑटो का मतलब सेल्फ। अभी देखो इसी में ऑटोबायोग्राफी में एक चीज आती है मेमायर, देखो कितना सेट वे में इस बुक में लिखा गया, इसकी खूबसूरती जरा आप देखना, खूबसूरती क्या देखो, बायोग्राफी, बायोग्राफी दूसरे के द्वारा लिखी जा रही है, ठीक, तो दूसरे के द्वारा जब लिखी जा रही है तो बायोग्राफी के गुण वाला ये भी है हेजियोग्राफीज, ये भी जो है अगर जो परीक्षा में पूछा ऐसे पूछ, व्हाट इज हेजियोग्राफी, बायोग्राफी की ऑटोबायोग्राफी, तो ये बायोग्राफी है, आपने इसको बायोग्राफी के चैप्टर में पढ़ा है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हेजियोग्राफीज का मतलब सिर्फ इतना ही मत समझ लेना, ये तो इसका पर्टिकुलर नॉलेज हुआ, लेकिन है ये ब्रांच किसकी, बायोग्राफी की, ये तो कुछ भी बन सकता है, तो इससे रिलेटेड था, तो इसने इसको देखो इसमें इसने जो है समाहित कर दिया है। अच्छा अब ऑटोबायोग्राफी से संबंधित जितने भी टर्म रहेंगे वो देखना ऑटोबायोग्राफी वाले चैप्टर में ही आएंगे, अब ये आप देखना नीचे जरा, अब यहाँ आपका ऑटोबायोग्राफी शुरू, ये देखो है, अब ऑटोबायोग्राफी का ही पार्ट है मेमायर, ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है डायरी, ऑटोबायोग्राफी और इसी डायरी को आप जनरल बोलते हैं, ये सब इसके पार्ट है, तो ये इनके चैप्टर में इसने लिखा है। के अलावा जितनी भी बुक आप पाएंगे इस स्तर की बुक, मतलब इस टाइप से लिखने वाली बुक कि जो टर्म जिससे रिलेटेड हैं, वो सिर्फ आप इसी बुक में पाएंगे, बाकी और जितने चाहे कडन की ले लो चाहे क्रिस बाल्टिक की आप ले लो, वहां अल्फाबेट के लिए दिया गया है। अब जैसे मेमायर, तो मेमायर वहां ए वाले में आपको नहीं मिलेगा, वो आप पढ़ते पढ़ते जब एम पे पहुंचेंगे तब वहां आपको मेमायर मिलेगा, या अगर जो ऑटोबायोग्राफी में मेमायर का जिक्र भी किया जाएगा तो बहुत थोड़ा सा, आप उसको ऐसे नहीं समझ सकते हो, तो ऑटोबायोग्राफी मतलब आप समझ गए। अब मेमायर क्या चीज होता है, कहने का मतलब आप ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हो लेकिन मेमायर के आधार पर, मतलब ऑटोबायोग्राफी आपने लिखा, कुछ चीजें आपकी मेमोरी में जो रियल इंसिडेंट थी वो मेमोरी में फंसी हैं, तो अगर जो आपका, अब ये देख लो ये लाइन आपका सब क्लियर कर देगा, डेवलपिंग सेल्फ, खुद को तो डेवलप आप कर, बट ऑन द पीपुल एंड इवेंट्स दैट आथर हैज नोन आर विटनेस, कहने का मतलब कुछ ऐसी, खुद को आप डेवलप कर रहे हो लेकिन आप उसमें कुछ ऐसी चीज का आप वर्णन कर रहे हो कि जिसके या तो आप गवाह बने हो, जिसको आपने आंखों से देखा है या आप उसके बारे में जानते हैं, उन चीजों का जब आप करते हो तो ये चीज कहां, जैसे किसी का आप गवाह बने हो, कोई मेला आप देखे हो, उस मेले का वर्णन आप जीवन परिचय में किया, या कोई ऐसी इंसिडेंट बंधी, जैसे मान लो कोई जो है कहीं पे मारपीट हो गई, वो मारपीट आपने आंखों से देखा, तो आंखों से आपने देखा तो आपकी मेमोरी में फीड है, मेला आपने देखा तो वो मेला आपकी मेमोरी में फीड है, तो ये चीज मेमोरी में फीड होने के कारण इसीलिए इसको मेमायर बोला गया, और मेमायर क्या है, ऑटोबायोग्राफी का ही एक पार्ट है, आप ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो उसमें मेमायर की जरूरत पड़ेगी, बात समझ रहे हैं। फिर डायरी, आप डायरी का मतलब पहले ये समझो, डायरी का मतलब आप अपनी व्यक्तिगत जो है दिनचर्या को इजी बनाने के लिए, या सेट चीजें आपकी होती जाए उसके लिए आप एक डायरी यूज करते हो, समझ रहे हैं, ये देखो यहाँ लिखा है,
इसको आप प्राइवेट डायरी भी बोलते हो या डायरी बोलते हो या जनरल भी इसको आप बोल सकते हैं। अब ये क्या चीज होती है जरा देखना आप फिर से, रुको इसको साफ करें। इसमें सारी चीजें लिखी हैं। डायरी जनरल क्या है देखो, डे टू डे रिकॉर्ड, मतलब आज जैसे सोमवार है कल मंगलवार है, समझ रहे हैं, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें डे टू डे रिकॉर्ड रहेगा, मतलब संडे तो संडे के बाद फिर मंडे भी तुमको जो है, अगर जो वो डायरी है या जनरल है तो संडे को मिलेगा। जैसे आज 12 तारीख है तो 12 के बाद फिर तुमको 13 तारीख का भी वर्णन मिलेगा, 13 के बाद फिर 14 तारीख का वर्णन मिलेगा। कहने का मतलब ऑटोबायोग्राफी का वो हिस्सा जिसमें आप डे टू डे रिकॉर्ड दो, किसकी, इवेंट्स ऑफ वंस लाइफ। भाई ऑटोबायोग्राफी में है तो वंस लाइफ ही तो होगा, खुद के जीवन के बारे में आप वो इवेंट प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका हर एक दिन के इवेंट आपको याद है कि 24 को मैंने ये किया था, 25 को जो है ये हुआ, और 26 को हमारे पापा आए थे जूते से हमको मारे थे, और 27 को फिर वही जूता वो पहन लिए थे। बात समझ रहे हैं? तो ये डे टू डे रिकॉर्ड जो आप मेंटेन कर रहे हैं, ये कर तो आप ऑटोबायोग्राफी रहे हो, लेकिन ऑटोबायोग्राफी में भी फर्दर ये क्या चीज हो गई, डे टू डे रिकॉर्ड, तो ये पता चला तुम्हारी डायरी हो गई, तुम्हारा जनरल। मेमायर क्या है? मेमायर में वो चीज आपको सिर्फ याद रहती है, मेमोरी के बेस पर। जैसे कोई इवेंट आपने देखा, आप बताओ उस इवेंट में तुम शामिल हुए, तो जब उस इवेंट में आप शामिल नहीं हुए तो आप उसको ऑटोबायोग्राफी बोल क्यों रहे हो? तो ऑटोबायोग्राफी आप इसलिए बोल रहे हैं कि वो उसके आप गवाह बने हैं, आपने उसको अपनी आंखों से देखा है, वो चीज आपको याद है, उसमें आप हो सकता है शरीक न भी रहे हो तब भी वो चीज आपको पता है। बात समझ रहे हैं? आप उसमें भले शरीक न हो लेकिन आप उसके गवाह तो बन रहे हैं, आप आंखों देखा वर्णन कर रहे हैं, तो मेमोरी ये चीज होती है। यहां किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। अब आ जाओ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी में। अब स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी तुम नाम देख के ही समझ सकते हो क्या हो सकती है। पहली चीज, अपने खुद के बारे में लिखोगे, ठीक। अब ये स्पिरिचुअल कैसे बनेगा? स्पिरिचुअल कोई चीज तब बन जाती है जब उसमें आप स्पिरिट जोड़ देते हो। स्पिरिट क्या चीज होती है? स्पिरिट जो है ये धर्म की टोटल बात होती है। आत्मा परमात्मा तुम कहाँ सुने हो? धार्मिक पुस्तकों में सुनो होगे, चाहे वो आपकी हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे जिसकी, ये सब बात उन्हीं पे होते। तो पहली चीज ये स्पिरिचुअल ऑटोग्राफी क्या चीज हो गई? रिलीजन से संबंधित चीजें हो गई, समझ रहे हैं? तो ये देखो क्या लिखा है, क्रूशियल एक्सपीरियंस इन क्रिश्चियन ऑटोबायोग्राफी। कहने का मतलब क्रूशियल एक्सपीरियंस जो सेंटी के जो कुछ कहने का मतलब रिचुअल्स होते हैं, या उसकी कोई जो है आप धार्मिक दिनचर्या बोल सकते हैं, या धार्मिक उसके कुछ अनुभव हो सकते हैं, उस चीज का अगर जो आप वर्णन करते हैं तो वो आप स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी होती है। इसमें किसी को कुछ पूछना है? आपके मन में कुछ शंका आया कि नहीं आया? से क्या है, समझ नहीं आई। हम्म, क्रूशियल एक्सपीरियंस, ये इसके मीनिंग क्या होगी? क्रूशियल एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि जैसे आप बड़ी टेंशन में थे, भगवान की शरण में गए, आपको आराम मिल गया, ये क्रूशियल, इसी यही क्रूशियल एक्सपीरियंस है। आप बड़े कहने का मतलब खुशी मूड में है, कुछ धर्म की ऐसी चीज हुई कि पता चला आप जो है उसमें डिस्टर्ब हो गए, यही है क्रूशियल एक्सपीरियंस। और इसी एंग्विश माइंड, कहने का मतलब जो आपकी एंग्विश माइंड है, ये जो मन में क्राइसिस आती है कि मन में तुम्हारी बड़ी उलझन है लेकिन गुरु जी के पास आप गए या यीशु के शरण में आप गए, तो क्या हो गई, रिकवरी हो गई। तो जब ये रिकवरी हो गई तो इसी को कन्वर्जन बोला जाता है। कन्वर्जन जो आपका टर्म है ये ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड है। फिर कि और किससे रिलेटेड है इसके बाद? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड है। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी का नेसेसरी एलिमेंट है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या चीज होती है? पहली चीज, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी वो जो है आपकी जो है ऑटोबायोग्राफी है कि जिसमें आप अपने धार्मिक अनुभवों का वर्णन करते हैं। अब वो कैसे धार्मिक अनुभव रहेंगे कि तुम थे तो बड़े जो है दिक्कत में, तुम्हारे दिमाग में बड़ी उलझन थी, बड़े प्रश्न थे, लेकिन जब से तुम प्रभु की शरण में गए उसके बाद सारे क्वेश्चन तुम्हारे खत्म हो गए, तुमको एकदम मानसिक सुकून मिल गया, तुम्हारी जो मेंटल क्राइसिस थी वो एकदम खत्म हो गई। तो जो ये एक्सपीरियंस, मतलब उलझन से सुलझन, इसी को यहाँ पे इंग्लिश में टर्म दिया गया है कन्वर्जन। बात समझ में आ गई?
यस सर। देखो कितनी आनंददायक चीज, कितना आनंद मिलता है। अब ब्लैक आर्ट मूवमेंट, ब्लैक आर्ट मूवमेंट ये आपका आपके सिलेबस में जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? कि आप पढ़ क्या रहे हो, ब्रिटिश लिटरेचर, ठीक। ज्यादातर चीजें आपके जो है ब्रिटिश से ही संबंधित है। हालांकि अगर जो यल्टी वाले पढ़ना चाहें तो मैं इसको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हम सोचेंगे कि आज इसको यहीं किया जाए, क्योंकि बारिश बारिश हुई, लाइटनिंग बहुत तगड़ी यहाँ पे चल रही है। तो अब जैसा आप बताओ, अगर आप बताओ तो इसको जारी रखा जाए, या बताओ तो बंद किया जाए। आपको कोई समस्या ना हो तो देख ले, तो बाकी तो नहीं, नेटवर्क भी सही लाइटनिंग तो चल रहा दोस्तों, नहीं नेटवर्क सही चल रहा है, लेकिन लाइटनिंग बड़ी जबरदस्त हो रही है। अच्छा, ये मोबाइल वोबाइल बड़ा कैच करता है, नेट पे टोटल चल रहा है। है। चलो ठीक है, बंद कर दीजिए, बंद कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वही मैं भी चाह रहा था कि इसको थोड़ा ये करिए, कल इसको करेंगे। अच्छा ये बताओ, ये ब्लैक आर्ट मूवमेंट इसको पढ़ाया जाए कि ना पढ़ाया जाए? हाँ एलटी तो के ये सर प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, लगाना आप सर, आप लेकिन थोड़ी पीजीटी वालों के लिए लगाइए। जरूरी। हाँ एलटी के लिए जरूरी है, पीजीटी वालों के लिए जरूरी नहीं है। चलो ठीक है, कल इस लोग चर्चा करते हैं। लेकिन ब्लैक आर्ट मूवमेंट नॉर्मली, जैसे आप समझना चाहो, ब्लैक एस्थेटिक मूवमेंट क्या है, या जो है ये ब्लैक आर्ट मूवमेंट क्या है, तो ब्लैक का मतलब क्या चीज होती है? ब्लैक का मतलब क्या है बताओ? काला पीकल ब्लैक का मतलब, हाँ काला, तो काला का मतलब काले लोग। तो कहने को ऐसा लिटरेचर जिसमें काले लोगों को वरीयता दी गई हो, काले लोगों की बात की गई हो, काले लोगों को उत्थान की बात की गई हो। वो काले लोग हैं को, तो काले लोग निग्रो हैं, तो निग्रो मिल कहाँ रहे हैं? या तो तुमको अफ्रीका में मिल रहे हैं, या तो अमेरिका में मिल रहे हैं। ये देखो लिखा भी वहीं पर है, जी और मिल मिलने तो तुमको और देशों में मिल रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब यहाँ बहुतायत में है। तो अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर स्पेशली बेस्ड ऑन निग्रूस, तो बस यही हो गया ब्लैक आर्ट मूवमेंट। कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसको डिटेल में, इसमें चीजें कुछ और छोटी छोटी हैं, वो समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो कल मैं आपको जो है उसको नोट कराता हूँ, ठीक है, कि किस टाइप के कल्चर थे, इनका जो है मोटो क्या था, कि इन सब चीजों पे। चलो ठीक है, फिर आज इसको यहीं तक सीमित करते हैं। थैंक यू भाई।